महिमा पवित्र आत्मा के फल जो कार्य है उसकी उपस्थिति से पूरे होते हैं, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, शांति, धीरज, शांत स्वभाव, सहनशीलता, दया, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, विनय, दीनता और आत्मसंयम है। तो आप क्या सोचते हैं मैं आज क्या सिखाने वाली हूं? आत्मसंयम। हमें आत्मसंयम के बारे में लगता है कि हम वो चीज कभी नहीं कर सकेंगे जो हम करना चाहते हैं। कृपया इसे अभी समझ लीजिए। जब मैं आत्मसंयम के बारे में कहती हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी मीठा नहीं खा सकते, आप कभी वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, या आप कभी वो हंसी मजाक नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने जीवन में हर दिन जो चाहे वो खाएं, जो चाहे वो खरीदें, जो चाहे वो सोचें, जो कहना चाहे वो कहें और एक सफल जीवन की अपेक्षा करें। आत्मसंयम संतुलन के बारे में है और 1 पत्रस 5 में बाइबल कहती है हर समय सचेत रहो, संयमी शांत मन के और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन यदि आप एक संतुलित व्यक्ति हैं तो शैतान आपका नाश नहीं कर पाएगा। आमीन। पर हम अनुशासन और आत्मसंयम के बिना संतुलित नहीं रह सकते। 2 कुरिन्थियों 5:14 कहता है क्योंकि मसीही का प्रेम हमें विवश करता है या बाध्य करता है। इसलिए यीशु ने यूहन्ना 14:15 में कहा यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर आपसे पहले से उतना ही प्रेम करते हैं, हम उनका प्रेम अपनी सत्यनिष्ठा से नहीं खरीदते। लेकिन वो कहते हैं यदि तुम उसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और हम जिस हद तक उनसे प्रेम करते हैं उस हद तक हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। मैंने कभी आपसे उस बारे में कहा होगा जब मैं सिगरेट पिया करती थी, क्योंकि जब मैं 9 साल की बच्ची थी तब से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था। मैं अपने पड़ोस के सभी किशोरों के साथ मिलती जुलती थी, वे कभी सिगरेट पीते थे इसलिए मैंने भी शुरू की। और इसे छोड़ना मेरे लिए सच में कठिन था। जब मैं सच्ची और गंभीर मसीह बन गई और परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया था, परमेश्वर मुझे इस बारे में कहने लगे क्योंकि ये एक अच्छी गवाही नहीं थी, ये एक अच्छी साक्षी भी नहीं थी। अब मैं सिगरेट पीने वालों पर दोष लगाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। सच कहा जाए तो परमेश्वर शायद बुराई करने वालों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन ये अब भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और हमें कुछ चीज़ों को करने से मना करना चाहिए क्योंकि लोग हमें अलग नज़र से देखते हैं, इसलिए हमें लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। आमीन। खास करके उस स्थिति में जब परमेश्वर मुझे बुला रहे थे, मुझे सच में उसे छोड़ना था और ये मेरे लिए सच में मुश्किल था। और मैं लगभग 1 साल तक इसके साथ संघर्ष करती रही, मैं इसके साथ सच में जूझती रही और मैं अंत में ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां इसे छोड़ने के बाद भी मैं इसे नहीं छोड़ पाई थी, क्योंकि मैं सिगरेट पीना चाहती थी। बस मैं इसे पीना चाहती थी, मुझे पीना था, पीना चाहती थी। ये मुझे पसंद थी, क्या आप समझे? मैं इसे चाहती थी। जब ये मेरे पास नहीं रहती थी मैं याद करती थी, मुझे परेशानी हुई, ऐसा लगा कि इससे मेरी भूख बढ़ जाएगी। मेरे पास सारे बहाने थे लेकिन मेरे पास इसे छोड़ने का एक ही कारण था, क्योंकि मैं सिगरेट से भी ज्यादा यीशु से प्रेम करने लगी थी। इसीलिए आपको पता है ये किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, आप इसे हजारों विभिन्न क्षेत्रों पर लागू कर सकते हैं। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि चाहे आपने उस चीज को छोड़ने का निर्णय कर भी लिया है जिसे आप जानते हैं कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे दोबारा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यीशु ने कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो परमेश्वर चाहे आपके किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, शायद उन चीजों के साथ आंतरिक युद्ध में, तो अपनी परेशानी पर विजय पाने का कठिन प्रयास करने के बजाय आपको यीशु से गहरा प्रेम करना होगा और आपको अपना अगला साल सिर्फ यीशु के प्रेम में और उनकी उपस्थिति में डूबते हुए गुजारना होगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि साल के अंत तक आप यीशु के प्रेम में इतने डूब जाएंगे कि आप कहेंगे तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे वे नाराज हों। आज पत्नियों के लिए एक छोटा सा उपहार है, इफिसियों 5। कुछ ही मिनटों में आपके पति खुश हो जाएंगे, मैं इसे कहना चाहती हूं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत कठिन था यीशु के साथ प्रेम करने की अपनी
छोटी सी यात्रा में मैंने इफिसियो 5:22 पाया। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो, आज्ञाकारी बनो और सामंजस्य स्थापित करो, जैसे ये प्रभु की सेवा। खुद को अपने पति के अधीन करो, जैसे ये प्रभु की सेवा। चलो भी, चलिए भी यीशु। हे प्रभु, ये मेरे लिए बहुत कठिन है ये सीखने की कोशिश करना कि बहस मत करो और कुछ भी कहने की कोशिश मत करो। और अंत में मैं इस मुकाम तक गई जहां मैं ये कह सकती थी, हाँ प्रिय, लेकिन इसमें एक तरह का व्यंग था, है ना प्रिय? और आपको पता है, अंत में परमेश्वर ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है वास्तविक अधीनता एक अभिनय नहीं है, ये दिल का एक स्वभाव है। मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ और जब कभी आप पति के अधीन होंगी तो अधीन होने के लिए वो सबसे महान व्यक्ति होगा क्योंकि वो महान है। लेकिन मैं आपसे सच कहती हूँ कि मैं अपनी देह पर पर्याप्त नियंत्रण रख सकती हूँ क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैंने वचन में देखा था। ऐसा करने के लिए उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे मेरे लिए करोगे? ओ क्या ये अच्छा नहीं है? यही तो वो कह रहे हैं कि इसे प्रभु की सेवा में करो, जैसे कि वो पूछ रहे हो, जॉयस क्या तुम ये करोगी? आमीन। और कुछ चीजें उन सब के लिए जो मुझे टीवी पर देख रहे हैं कि परमेश्वर आपके बारे में कार्य कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आज आप सुन ले वो जो कह रहे हैं कि आप तुम ये मेरे लिए करोगे, क्या तुम इसे मेरे लिए करोगे? ये हमें दूसरे स्तर पर पहुंचा देगा, है ना? बिल्कुल भी। हाँ, क्या आप उन लोगों को क्षमा करेंगे जो उनके बारे में बुरा बोलना बंद करेंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है? क्या आप ये करेंगे? क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने आपसे कहा है। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमारे पास 50 कारण होने चाहिए। हमें पर्याप्त रूप से प्रभु से प्रेम करना होगा ताकि हम खुद को बाध्य कर सके, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। सच में आज सुबह मैंने ऐसा कहने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर आपसे इस वचन के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं, क्योंकि अय्यूब ने कहा था कि मैं तेरे वचन से इतना भर गया हूं कि मुझे लगता है कि मैं फट जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा ने मुझे विवश कर दिया। ये मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। ओ, कभी कभी मैं किसी से ये नहीं कहना चाहती हूं, ऐसा क्यों है? चलो भी, आप इतना भक्तिमय नहीं हो पाएंगे कि आप उससे उभर ना पाए। आप हर परीक्षाओं से छुटकारा नहीं पा सकते, परीक्षाएं तो आती हैं, लेकिन बाइबल कहती है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में मत पड़ो। ये ऐसा कभी नहीं कहती कि प्रार्थना करो कि तुम पर परीक्षा कभी ना आए, बल्कि ये कहती है कि तुम परीक्षा में मत पड़ो। जब आप परीक्षा में पड़ेंगे तभी तो हमारा आत्मा संयम बाहर आएगा और तभी हम कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और आप जितनी जल्दी सही निर्णय लेंगे उतना ही आपको इसे करना आसान होगा। मैं अभी लोगों को बताना चाहती हूं, पर फर्क इतना ही है कि अब मैं इसे नहीं बताती। नीति वचन अध्याय 6:2 और नीति वचन भरा हुआ है मुंह से संबंधित वचनों से। मैं उन वचनों को पढ़ती हूँ नीति वचन में या हर कहीं जो मुंह से संबंधित है, और या यहाँ मार्जिन में म लिखती हूँ और इसमें ऊपर एक गोला बनाती हूँ, तो मेरा एक दिन मुंह से संबंधित होता है। क्योंकि इस महीने आपके लिए मौका है, आप में से कुछ लोग ज्यादा बातों नहीं होते हैं, और यदि आप बात भी ना करें तो आप इसे एक बहाने से कहते हैं, खैर आप तो जानते हैं ये महीना है मेरे लिए, इसलिए जब मुझे मुंह से संबंधित बातें सीखनी होती है तो मैं यहां मार्जिन्स पर आ पहुंचती हूं, मुंह 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 लिखती हूं। इसलिए नीति वचन 6:2, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा
और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। आप में से कितने लोग जानते हैं कि किसी और चीज की बजाय आपका मुंह आपको ज्यादा परेशानी में डाल देता है। यहीं पर आपको आत्मसंयम रखना है। आप जैसा चाहे वैसा कह सकते हैं, दोस्ती रख सकते हैं, आप जो चाहे वैसा हमेशा नौकरी में नहीं बने रह सकते। नीति वचन 8:6-8, दाऊद ने बहुत पहले से कह दिया था कि वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा था, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम और श्रेष्ठ बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बात निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा और दुराचार मेरे होठों के लिए घिनौनी और निंदनीय है। मेरे मुंह से वही बातें निकलेंगी जो धर्म की सीधी और परमेश्वर की दृष्टि में सही होती हैं। उनमें से कोई भी बात टेढ़ी या उलट फेर नहीं होती। मैं इन बातों की घोषणा करती हूं हर दिन ये कहते हुए, ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुंह के शब्दों और मेरे मन के सोचे गए विचार आपकी दृष्टि में स्वीकार योग्य हो। परमेश्वर, मेरे मुंह की निगरानी कीजिए, मेरी जीभ आपके विरुद्ध पाप न करें। मेरे मुंह से निकले शब्दों में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य हो। मुझे उनके साथ सहमत होना पड़ेगा क्योंकि मैं उन्हें खाऊंगी। बाइबल यही कहती है, तुम अपने खुद के शब्दों को खाते हो। वचन 13 कहता है, उलट फेर की बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। नीति वचन 10:19, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। दूसरे शब्दों में, इसे बंद रखिए। नीति वचन 18:20-21, समय बचाने के लिए मैं इन सब चीजों को टाल रही हूं, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वितृप्त होता है, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल मृत्यु और जीवन के लिए भोगेगा। आज मैं आपके मुंह और आपके मन के अलावा किसी और क्षेत्र के बारे में सोच भी नहीं सकती जो कि आपके लिए नियंत्रण से महत्वपूर्ण है। मन, मुंह और भावनाएं, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकते हैं। मन, मुंह और भावनाएं, मैं आपके मुंह से संबंधित चार बातों को बताना चाहूंगी। पहली बात, आप अपने और अपने भविष्य के बारे में जो बोलते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको जिस प्रकार के शब्द कहने हैं वो और बातचीत करनी है उसमें आत्मसंयम होना जरूरी है। आप कभी भी अपने बारे में बुरी बातें मत बोलिए, कभी भी बुरी बातें मत बोलिए, कभी 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 मत कहिए बुरी, नकारात्मक, निंदनीय और नीच बातें अपने बारे में। कभी अपने बारे में असभ्य बातें मत कहिए। ऐसा कभी 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 मत कहिए। मत कहिए कि मैं मूर्ख हूं, मैं कभी भी सही चीजें नहीं कर सकता, मैं बहुत मोटी हूं, मैं बहुत बदसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कुछ और हूं, ये हूं, यो हूं, वो हूं। आप में से कितने लोग खुद के बारे में बुरी बातें बोलते हैं? मैं जानती हूं ऐसा हो सकता है। आप अपनी घोषणाओं से ज्यादा ऊपर कभी नहीं उठ सकते। आप उन चीजों को नहीं बुलाते जो पहले से ही मौजूद हों। बाइबल कहती है तुम उन चीजों को बुलाते हो जो हैं ही नहीं, जैसे कि वे थी। दूसरे शब्दों में, आपको अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन के अनुसार कहना होगा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में, उनकी व्यवस्था में, परमेश्वर के जगत में चीजें जिस तरह से काम करती हैं वे हैं। पहले इस पर विश्वास करना और फिर इसे देखना। आप विश्वास कीजिए और जब आप इस पर विश्वास करेंगे और इसे कहेंगे तब वे शब्द आत्मिक जगत में जाकर उन सभी चीजों को वास्तविकता में बदल देंगे जहां पर आप इसका आनंद उठा सकेंगे। मैं मसीह में परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, इसे महसूस करने के पहले मैंने इसे शायद लाखों बार कहा होगा। जब मैं बहुत जरूरतमंद और दुखी थी तब से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई। मैंने शुरू कर दिया था, मैंने लोगों से प्रेम किया और सभी लोगों ने मुझसे प्रेम किया जबकि मैं उन्हें चाहती भी नहीं थी और उन्होंने मेरी परवाह भी नहीं की थी। मेरे ऐसा करने के बहुत पहले मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं एक आज्ञाकारी पत्नी हूं। चलो भी, अपने मुंह को परमेश्वर के वचन के अनुरूप कीजिए। अपने और अपने भविष्य के बारे में तुच्छ बातें बोलना बंद कीजिए।
मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आपने 500 मील की यात्रा की है और आप में से जिन्होंने हाथ ऊपर करके ये माना कि आपने अपने बारे में बुरी बातें कही हैं, पर जब आप एक छोटा सा बदलाव लाएंगे तब आप इस फल से इतना खुश हो जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप एक ऐसा फल पा सकते हैं। बस इतना ही, आप बेहतर महसूस करेंगे, आप ज्यादा खुश होंगे। आप कौन होते हैं उसका निरादर करने वाले जिसे परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। और मुझे उन सब के बारे में पता है। आप जानते हैं कि मुझे अपनी चीजें पसंद नहीं थी, मुझे अपनी आवाज पसंद नहीं थी, आप जानते हैं ये या कुछ और, पर आप शांत बने रहिए। मुझे अपनी आवाज के साथ समझौता करना पड़ा। जब मैं किसी से फोन पर बात करती थी तो वो मुझे यस सर कहते थे। मैं जिस होटल में रुकती थी मुझे कॉल करके नाश्ता मंगाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे वो श्रीमान मेयर कहते थे। पिछले कई सालों में ऐसा हुआ। मैं किसी दूसरे शहर में थी और मैंने फेशियल करने के लिए एक स्पा को फोन किया तो उन्होंने पूछा क्या मेरे चेहरे पर बाल हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भवे हैं, और मैंने सोचा हाँ मेरी भवे हैं, पलके हैं, इसलिए मैंने कहा हाँ, मेरा मतलब मेरी भौहें और पलके हैं। उन्होंने कहा नहीं कि आपकी दाढ़ी मूछ है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, नहीं। नहीं, मैं एक महिला हूं। लेकिन मैंने कभी दोबारा यह नहीं कहा कि मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे दुनिया भर में प्रसारित करके परमेश्वर खुश हैं। आप में ऐसी क्या बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? इससे बाहर आइए और इस पर विजय पाइए। यदि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, और दूसरों से खुद की तुलना करके अपने बारे में बुरी और तुच्छ बातें मत बोलिए, बल्कि ऐसा कहिए मैं परमेश्वर की संतान हूं, उन्होंने मुझे अपने हाथों से मेरी मां के गर्भ में बनाया है, मैं विचित्र नहीं हूं, मैं अनोखी हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है और मुझे यही मूल्यवान लगता है। जिस तरह से मैं चीजों को करती हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता। पूरी तरह से एक अलग स्तर पर, और वो भी खुद से। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ वो है आप परमेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं। मलाकी में सबसे सुंदर वचन है, ये कहता है कि जो परमेश्वर का भय रखते हैं वे अक्सर उसके नाम की महिमा करते हैं और वे उनकी बातचीत को अपनी यादों की पुस्तक में दर्ज करते हैं। My goodness, आप परमेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं? आपको कहना चाहिए परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर मेरे लिए बहुत भले हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में एक के बाद एक चीजें कभी नहीं करती, उन्होंने वो पहले से कर दी है, बहुत 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 पहले। हम में बुरी प्रवृत्ति कैसे आ सकती है यदि परमेश्वर वो न करे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं, जबकि वे चाहते हैं कि उन्हें हम ही करें। चलो भी यदि हमें कभी कुछ और नहीं भी मिला तब भी हम नरक में नहीं जाने वाले। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के बारे में बोलने में सावधान रहना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वे भले हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनकी स्तुति करती हूँ, मुझे परमेश्वर में कोई गलती नजर नहीं आती, मेरे जीवन में जो भी गलत है वो मैं हूँ ना कि आप। परमेश्वर के बारे में कहने के प्रति सावधान रहिए। बाइबल कहती है कि प्रेम लोगों को ढक देता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या आप लोगों की गलतियों को प्रकट करते हैं या जो आप जानते हैं उन्हें ढकना पसंद करते हैं? तुमको नहीं पता कि मेरी और जैन ने क्या किया। अब मुझे पता है इस बारे में कुछ पता है। और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। मुझे एक बात पता है लेकिन मैंने इसे किसी को कभी नहीं बताया क्योंकि मैं आत्मसंयमी हूं और मुझे पता है कि यदि मैं इसे बता दूंगी तो मैं परमेश्वर को अच्छा महसूस नहीं करवाऊंगी, लेकिन ये वैसा नहीं है। पर अब ये समय है उन चीजों से निपटने का, लेकिन ये वैसा नहीं है। शायद ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने खुद ही किया हो मेरे जीवन में किसी समय। बस हम आपको बताना ही चाहते थे, इसे कहो, इसे कहो। उत्पत्ति 9 में
नूह और उसके परिवार के नाव से उतरने के बाद उन्होंने किसानी की और दाख उगी, उसने शराब पी। बाइबल कहती है कि वो तंबू में नंगा हो गया। ये उत्पत्ति 9 में है, आप थोड़ी देर बाद इसे खुद ही पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 9, उसका एक बेटा अंदर आया और उसने देखा, बाहर दौड़ा और दूसरे भाइयों को बताया। उन दोनों बेटों ने एक कपड़ा लिया और उल्टा चलकर आए और अपने पिता के नंगेपन को ढक दिया। जिस बेटे ने अपने पिता के बारे में बताया वो श्राप में जिया, और जिन बेटों ने उसे ढक दिया वे आशीषित 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 हुए। प्रेम लोगों के पापों को ढकता है। आपको हर जगह ये बताने की जरूरत नहीं, ये कहते हुए कि क्या तुमने सुना, आपको ये बातें नहीं बतानी चाहिए। और कृपया किसी के पास जाकर आत्मिक होने का ढोंग मत कीजिए। ये मत कहिए कि मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रार्थना करें, ये तो और भी बुरा होगा। सावधान रहिए लोगों के बारे में बात करने से, और सावधान रहिए अपनी परीक्षाओं के दौरान बातें करने में। ये काफी जरूरी बात है। ये चौथी बात है, परीक्षा के और कष्ट के दौरान बोलते समय सावधान रहिए। मैंने एक दिन यशायाह 53 में से आपके लिए पढ़ा था। वो सताया गया, वो तड़पाया गया, तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वो भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम परीक्षा और तनाव में पड़ते हैं तब हमें बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए। ओ, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो हुआ बस उसके साथ हुआ। और कभी कभी हम ये भी कहना चाहते हैं, ओ मुझे ये नहीं मिला, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं चर्च जाती हूं और मैं दान देती हूं, दशमांश देती हूं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हमें ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप सब जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं वो करती रहूंगी क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए ये नहीं कर रही हूं, मैं आपके लिए कर रही हूं। आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप अपना मन बना लें और इसे बनाए रखें। कई लोग अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि उनमें कोई आत्मसंयम नहीं होता। आप में से कितनों के पास कोठरी है जिसे बरसों से साफ नहीं किया गया है? और गैरेज के बारे में क्या? और तहखाना, अपनी कार? कितने लोगों को अपने धन को सुव्यवस्थित करना है? आप बस चेक्स लिखते रहते हैं और ये भी नहीं जानते कि क्या चल रहा है। आपको ये करना होगा। आत्मसंयम ऐसे काम करता है, आप एक योजना बनाइए, अपने मन को उस दिशा में तय कीजिए और इसे बनाए रखिए, बनाए रखिए। कुलुसियों 3, अपना मन बनाओ और इसे बनाए रखो उस पर जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं। तो आप ये कहिए कि मुझे अपनी कोठरी की साफ सफाई करनी है, और हो सकता है आप जानती हो कि शायद उस कोठरी में जाकर 12 घंटे तक साफ सफाई करना संभव नहीं है, और हो सकता है आप कहें कि ठीक है मैं इस काम के लिए 10 दिन तक 2 घंटे निकालूंगी, 8 से 10, फिर ये साफ हो जाएगा। अब मैं आपको यहां खड़े होकर निश्चित तौर पर कह सकती हूं, क्योंकि शैतान प्रगति नहीं करता, इसलिए वे आपका ध्यान भंग करने के लिए 2-3 ऐसे विकल्प देगा जो कोठरी की सफाई करने की अपेक्षा ज्यादा अच्छे लगे। इसलिए आपको अपना मन बनाना होगा और इसे बनाए रखना होगा। आपको आज से ही किसी चीज के लिए अपना मन बनाना होगा। आपको अपना मन बनाना होगा कि आपको उन गड़बड़ी के बीच नहीं रहना है जो इतनी अव्यवस्थित हो कि आपको आधे समय तक पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। आप अपने मन में तय कर लीजिए कि आप अपने बच्चों को अनुशासित करेंगे, क्या आप उन चीजों की देखभाल करेंगे जिसे परमेश्वर ने आपको दिया है। अपना मन बना लीजिए कि आप जो भी काम करेंगे उसे या तो सही ढंग से करेंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मन बना कर रखिए। आमीन। अपना मन बनाइए और इसे बनाए रखिए। पर हमें अवश्य ही उन शब्दों पर नियंत्रण रखना है जो हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में और भी कई बातें हैं। हो सकता है आत्मसंयम अध्ययन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय न हो, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। इसके कारण आपके जीवन में सभी चीजें संतुलित रहती हैं, और बाइबल हमें कहती है कि यह हमारे खुद की भलाई के लिए है।
नीति वचन 25:28 कहता है, मैं आत्म संयम से कार्य करता हूँ और अपनी आत्मा को बेलगाम होने नहीं देता। मैं ऐसा शहर बनने से इनकार करता हूँ जिसकी शहर पनाह तोड़ दी गई हो। आत्म संयम और अनुशासन मेरे जीवन में सुरक्षा लाते हैं, मुझे ये पसंद है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉयस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।